हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बनाएंगे गियर। दोस्तों, आपको ये वाले गियर तो हमेशा कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, लेकिन आपको दिक्कत होती है तो दूसरे गियर की। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये जो पुल्ली है इसको गियर भी कह सकते हैं, पुल्ली भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसको घुमाने के लिए जब हम इस पर लगाते हैं तो आपको ये जो गियर है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ये देखा जाए तो बाज़ार में भी नहीं मिलता। आज मैं यही बना के दिखाऊंगा आपको, ये देख सकते हैं आप, और वो भी दोस्तों इन खाली जो ये क्या कहते हैं कॉलगेट वगैरह के या किसी ट्यूब के जो भी खाली रैपर होते हैं उनसे आज हम बनाएंगे इसको। इससे ये देख सकते हैं आप, ये वाला जिस पर टॉप पे लगा हुआ है, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों, ये बनाएंगे आज हम इनसे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये बिल्कुल गियर की तरह ही बना होता है, जिससे हम ये इसको ढक्कन लगा के टाइट करते हैं, इसकी कैप लगाते हैं। ये देख सकते हैं आप, बस आपको ये देखना है कि ये कौन सा गियर कितना बड़ा है जो आपके क्या कहते हैं इस पर आसानी से आ जाए। जैसे आप इसको काट लेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, और ये इसको आराम से घुमा देगा। जैसे हम इसके अंदर डालते हैं, ये देखिए, अब जो है अगर हम इसको लगाएंगे इस पर तो ये आसानी से इसको घुमा देगा इस टाइप से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और दोस्तों हमें घुमाना है ये देख सकते हैं, इसके अंदर भी मैंने गियर लगा रखा है, ये देख सकते हैं आप, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ये देखिए। और इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए होगी ये छोटे वाला ट्यूब, इसका ये हिस्सा जो है ये हम काट लेंगे कटर की मदद से। मैं काट के दिखाता हूँ आपको अभी, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसमें से काट लिया है, ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों ये भी हमारा बिल्कुल यही काम करेगा जो हमारा ये वाला करता था, ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये लगाने से पहले दोस्तों ये जो मोटर है इसकी जो शाफ्ट है इस पर हम धागा लपेट लेंगे, मैं लपेट के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से पूरा लपेट लेंगे, जिससे कि हमारा ये जो गियर बनाया था हमने ये इसके अंदर आसानी से फंस जाए। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये मैंने लपेट दिया धागा इस पर। अब दोस्तों इस पर थोड़ा सा स्टंट ग्लू डाल देंगे, इसलिए जिससे कि ये मजबूत हो जाए और अपना जब अपनी जगह ना छोड़े। और दोस्तों अब हम इसे लगा के इसको लेके इस पर फिक्स कर देंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी बिल्कुल पुल्ली बन गई है जिसे हम गियर कहते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब दोस्तों थोड़ा सा स्टैंड ग्लू हम इसके ऊपर भी डाल देंगे, और थोड़ा इस साइड डालेंगे जिससे कि मोटर की साफट में ना जाए, नहीं तो मोटर की साफट जाम हो जाएगी। ये दोस्तों मैंने लगा दिए, अब मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। ये मोबाइल की बैटरी है, इसमें तार जोड़ के और फिर मैं आपको चला के दिखाऊंगा। और दोस्तों यही वही गियर है जो मैंने पहले लगा दिया था, ये देख सकते हैं आप, इसी को हम चलाएंगे। चलिए लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोस्तों, ये इसमें ऐसे करके फिक्स कर देंगे, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, और हम अब दूसरी तार लगाएंगे तो ये आसानी से घूम जाएगी, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। चलिए मैं आपको कागज़ लगा के दिखाता हूँ इस पर, जो कि आपको आसानी से दिख जाए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इस पर कागज़ लगा दिया जिससे कि जब भी घूमेगी तो आपको आसानी से दिख जाएगी। ये दिखाता हूँ मैं घुमा के, ये देखिए मैं तार जोड़ रहा हूँ,
ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी आराम से घूम रही है, जैसे नॉर्मल जो ख़रीदा हुआ गियर हमारा होता है उसी टाइप से ये भी काम कर रही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।